नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बाला साहब ठाकरे ऊपर से देखते होंगे तो बहुत पछता रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान दी है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अभी दो रोज पहले बयान दिया कि बीजेपी की गलती है और नुपुर शर्मा की गलती है, इस कारण पूरा देश क्यों माफी मांगे, तो उनको मतलब प्रोक किया नुपुर शर्मा को, और इसलिए उनने ये बात बोली। और उसके लिए विदेशों में जो लोग इस्लामिक स्टेट के लोग हैं जो इस पर दबाव बना रहे हैं और माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे वो मतलब बीजेपी को माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हैं। भाई देश के लिए तो एक साथ खड़े होना चाहिए कि भाई ऐसी कोई, अरे कभी अरब देशों में ने इन मुस्लिम देशों ने हिंदुओं के मंदिर टूटे तो कभी माफ़ी की मांग की? अभी पाकिस्तान में कल मंदिर टूटा तो उसमें माफ़ी की मांग की? कभी बोला है कि हिंदू को कश्मीर से भगाया, कश्मीर में मार मार के कत्लेआम किए, कभी माफ़ी मांगी? उद्धव ठाकरे तुमको क्या हो गया है? तुम्हें इस कांग्रेस की गोद में, जिस कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे बाला साहब, और किसी भी कारण से उसका सहयोग नहीं लेना और न देने की बात उन्होंने कही थी, वो क्या विचार थे उनके? खुद सोचो, सोनिया गांधी के खिलाफ क्या विचार थे? आज कांग्रेस की गोद में बैठ के सरकार चला रहे हो आप, और उसके बाद में देश विरोधी ताकतों का भी साथ दे रहे हो। जो एनसीपी है, दाऊद का साथी नवाब मलिक, वो जेल में बंद है, उसको तुम मंत्री पद से बर्खास्त नहीं कर पा रहे हो, और तुम पूरी दुनिया देख रही है तुमको अगली बार कौन मुख्यमंत्री बनाएगा, कौन वोट देगा। शिव सैनिक तो हिंदुओं से, बीजेपी से भी ज्यादा हिंदुओं की रक्षक मानी जाती थी, आज तुम बिल्कुल गए गुजरे हो गए हो। आज ओवैसी के साथ तुम हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हो राज्यसभा सीटों के लिए, और इनके लिए कांग्रेस का को सपोर्ट कर रहा है ओवैसी, और कांग्रेस तुम्हारे साथ है। कल तक तुम पानी पी के कांग्रेस को कोसते थे, तो तुमने किसी प्रकार का मान सम्मान कुछ रहा ही नहीं है। अगर तुम रहता तो नुपुर शर्मा के लिए एक बार खड़े हो जाते, नहीं क्यों माफी मांगे भारत, ये हमारा अंदरूनी मामला है। अगर नुपुर शर्मा ने गलती की तो कानून उसको सजा देगा, ये तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, और तुम देश को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और मोदी जी का विरोध करते करते तुम देश विरोधी हो गए हो। क्योंकि जिस तरह से बाला साहब ठाकरे थे उनका तो तुम 1% भी नहीं हो, और राज ठाकरे इतना दम भरते थे, राज ठाकरे भी एक बार भी नुपुर शर्मा के पक्ष में नहीं बोल पाए, नुपुर शर्मा के और देश के पक्ष में नहीं बोल पाए। तुम सब जने सिर्फ राजनीतिक चमकाने में ही लगे हुए हो, और उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा पढ़ना क्या गुनाह था? जो नवनीत राणा और रवि राणा ने जो ऐलान किया तुम्हारे घर के सामने, अरे तुम भी बैठ जाते हनुमान चालीसा में, कोई वो नवाज तो नहीं पढ़ रहे, और नवाज भी पढ़ रहे तो खुदा की इबादत ही तो है। अगर कोई पाठ करना चाहता भगवान का, पूजा करना चाहता, हनुमान चालीसा करना चाहता, सुंदरकांड करना चाहता, तो इसमें गलती क्या है? तो तुमने उसको गिरफ्तार करवा दिया, और उसको बीजेपी को बोलो कि कश्मीर में जाके सुंदर या हनुमान चालीसा करे, तो क्या कश्मीर में नहीं कर सकते क्या? तो आप मतलब ये कर रहे हो कि बिना कश्मीर में किसका डर दिखा रहे हो आप? अभी मोदी जी का राज है, और आप अभी मुंह से ये नहीं निकलता कि अरब कंट्री और जो 56-57 देश है वो हर जगह हिंदुओं के अत्याचार के उसके लिए बिल्कुल खड़े नहीं होते, और जरा सी कोई बात होती तो हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मोदी जी की तरफ से तो दबाव में नहीं है, उन्हें खुद बोल दिया है कि ये संकीर्ण मानसिकता है अरब कंट्री की, ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है। और जितने बाला साहब ने इज्जत कमाई थी और जो हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने प्रण किया और जो काम किए, वो सब आपने मिट्टी में मिला दिए हैं। और किसी भी शिव सैनिक से अंदर से दिल की आत्मा से पूछो तो फिर वो यही कहेगा कि नहीं, जो कांग्रेस से समर्थन लिया सबसे बड़ी गलती थी, एनसीपी से समर्थन लिया सबसे बड़ी गलती थी, उसके बाद भी देश के लिए आपने ये ऐसे घिनौने समझौते कर लिए। जो दाऊद, ये साबित हो चुका कि नवाब मलिक दाऊद का साथी है, तब भी मंत्री पद से नहीं निकाला। तो अभी भी वक्त है, थोड़ी बहुत इज्जत बची है तो बाला साहब का नाम लाज रखने के लिए सही रास्ते पे चलो, और नवाब मलिक को बर्खास्त करो, और भारत की साख पर बट्टा मत लगाओ।
दोस्तों अगर मेरे विचारों से सहमत है तो मुझे लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।